नमस्कार, मैं हूं राकेश कालाराम। आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान। आज के जनसदन का मुद्दा है दिल्ली चुनाव में देवभूमि का दखल, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कैलाश जोशी जी वरिष्ठ स्तंभकार है, कैलाश जी आईटीवी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। विशाल गुप्ता जी भाजपा नेता है, विशाल जी आईटीवी हिंदुस्तान परिवार में आपका स्वागत है। और राजेश भगुना जी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजेश जी आईटीवी हिंदुस्तान परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले आज विशाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहेंगे। विशाल गुप्ता जी, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो शाहीनबाग और जामिया मिलिया के जितने भी षड्यंत्र हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा रचे गए हैं, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे के कंधों पे सवाल होकर राजनीति में आए हैं। हालांकि उन्होंने सलाह हरीश रावत को भी दी है कि पहले अपने राज्य में अपनी पार्टी की लड़ाई को निपटें, तब उसके बाद सीए के ऊपर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर वो अपनी सलाह दें। हालांकि हरीश रावत ने कहा था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि ये संसद में पास हुआ हुआ बिल है जो लोकतांत्रिक है, क्या संसद में कोई अलोकतांत्रिक चीजें पास होती हैं। विशाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। विशाल गुप्ता जी, 250 सांसदों को तीन रातें झुग्गियों में, झुग्गी झोपड़ियों में बिताने के लिए कहा गया है, या जितने विधायक है अधिकतर वो दिल्ली में पहुंचे हैं, तब वो भूमि से लगे हुए इलाकों के, हम चाहे हिमाचल की बात कर ले, हम उत्तराखंड की बात कर ले, तो इतना डर है क्या पार्टी के अंदर कि 250 विधायकों को या सांसदों को दिल्ली बुलाने की आवश्यकता पड़ी? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है, जब भी चुनाव लड़ा जाता है रणनीति के माध्यम से लड़ा जाता है। और उत्तराखंड के लोग जो वहां दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे संगठन के लोग वहां गए हैं, हमारी वहां पे जो 70 सीटें है उसमें 17 सीटें ऐसी है जहां उत्तराखंड के लोग प्रवास करते हैं, जहां परसेंटेज ज्यादा है। जैसे बुराड़ी जगह है, बुराड़ी विधानसभा है, वहां 3,02,000 मतदाताओं के बीच में 36% जो जनसंख्या है हमारे उत्तराखंड के लोगों की है, उन लोगों को हम वहां जाके प्रभावित करने का काम, वहां जाके समझाने का काम, अपने पक्ष में मतदान कराने का काम उत्तराखंड के वहां कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी रणनीति के अनुसार चलती है। आज सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिए, ये सारे विधायक लगा, ये पार्टी की टीम है, पार्टी संगठन बूथ लेवल तक मजबूत है, और पार्टी चाहती है जिस जगह भी चुनाव का माहौल हो और पूरे देश का कार्यकर्ता एक जगह पे मौन इकट्ठा करते, क्योंकि जनता को गुमराह करना और भैरूपिया रंग अपनाना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पूरे हिंदुस्तान के लिए भैरूपिया रंग हो गए हैं, समय समय के अनुसार वो रंग बदलते हैं। जहां शाहीनबाग जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम, वहां गोली चलाने का काम, ऐसी घटनाओं को उनका केवल सत्ता नष्ट है और हमारा केवल देश नष्ट है। हमारी विचारधारा देश के ऊपर आधारित है, उनकी विचारधारा गोली चलाने पर आधारित है। ये विचारधाराओं का फर्क है, इसलिए विचारधारा हैवी ना हो, इसलिए पूरे संगठन ने अपने निर्चार से, सिद्धांतवाद से और विचारवाद से और लोकतंत्र मर्यादा के अंदर रहकर वहां पे चुनाव फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जनमानस और जन कार्यकर्ता वहां काम कर रहा है, सेवा कर रहा है और जनता को जागरूक कर रहा है कि भैरविया रंग से, भैरविया जो व्यक्ति केजरीवाल है, जिन्हें अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिन्हें देश पर नुकसान करा, आज उनके भैरविया रंग से जो फ्री सेवा का जो लालच देके चल रहा है, उस लालच को कितने दिन चलाएगा, उसका रंग खत्म करने के लिए आज कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, राजेश भगवना जी आपके पास आना चाहिए। राजेश भगवना जी, अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, दिल्ली चुनाव की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो 28 बिंदुओं पर बता दिया है कि ये दिल्ली के अंदर जो है बिजली पानी के रियायतें दरें दी जाएंगी, दिल्ली के अंदर देशभक्ति को कोष में लाया जाएगा, और किसी भी सफाई कर्मी की अगर मौत होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया राजेश भगवना जी? हाँ देखिए काला जी, आज विशाल गुप्ता जी बहुत, पहले तो बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे कि आज उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी आज इस डिबेट में नहीं बैठा है, क्योंकि एक तरफ कैलाश भाई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक तरफ मैं बैठा हूँ, तो आज इस बात से वो बहुत खुश होंगे। लेकिन विशाल गुप्ता जी, एक बात आपको बता दूं, आप कह रहे थे कि पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पहुंचे रहे हैं और अपनी उपलब्धि बताने के लिए वहां गए हुए हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड को मार्च में बने हुए, उत्तराखंड को जो है ये सरकार को बने हुए 3 साल होने वाले हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां गए हैं और अनेकों अनेक 5 सांसद हमारे गए हैं, और अभी झुग्गियों में जो है रात गुजारने के लिए हमारे विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं, जैसे कि 250 विधायक वहां पहुंच रहे हैं। मैं ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 साल होने को है उत्तराखंड को, इस राज्य में सरकार बने हुए, डबल इंजन की, और जाने कैसी कैसी सरकारें यहाँ बनी है,
आखिर वहां ये बता क्या रहे होंगे? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई अगर मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट दें, अगर मैंने काम नहीं किया है तो आप कमल को वोट दें। अब हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सांसद और हमारे जो विधायक हैं वो दिल्ली में जाके क्या उपलब्धि अपनी बता रहे होंगे, नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर उत्तराखंड का जनमानस इस बात को अच्छे से समझे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में क्या काम किया है और हमारे तमाम 20 से 25 लाख तकरीबन आबादी है कालाजी जो प्रवासी उत्तराखंड के वहां रहते हैं और मिनी उत्तराखंड भी दिल्ली को कहा जाता है, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि देखिए हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करेंगे जो उत्तराखंड में काम करेगा, उत्तराखंड के लिए जिसकी नीति और नियत साफ होगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अपना मुख्यमंत्री जी हमारे जो हो, या उसके अलावा कांग्रेस का अगर कोई करता है, लेकिन करे तो सही। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने लाल लश्कर के साथ आपने पूरी छावनी बना दिया है, बस एक आर्मी तो उतारनी बाकी रह गई थी ना, उसको भी उतार देते, शायद हो सकता है कि अंत में वही काम आती है। बिल्कुल कैलाश जोशी जी आपके पास आना चाहेंगे। कैलाश जोशी जी, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में करीब करीब 40 लाख लोग रहते हैं। बीजेपी ने जो एक अपना कार्ड या ट्रम्प कार्ड हम जिसको कहेंगे खेला है कि झुग्गी झोपड़ियों में विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे, कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के वोट को काटना चाहती है, क्योंकि वो अमूमन झुग्गी झोपड़ियों का वोट जो है या तो कांग्रेस की तरफ जाता है या फिर अधिकतर आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है। तो बीजेपी ने जो कार्ड खेला है, लगता है आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को? देखिए काला जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में इलेक्शन का दौर जारी है, चुनाव प्रचार चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे नजरिए से आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से इस वक्त वहां पर झंडा बुलंद है, उसके अकॉर्डिंग भाजपा को अपना डर सताने लगा है कि कहीं हम अपने चुनाव को लॉस तो नहीं कर रहे। उसकी वजह से आज भाजपा ने अपने सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों के विधायक, अपने केंद्र के सांसद, सभी लोगों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। किंतु सबसे बड़ी बात काला साहब, मैं आपको बता दूं कि 1600 कुछ, लगभग 1600 से ऊपर जो कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पर मैं आपको बता दूं कि मेरे नजरिए से 1200 कुछ कॉलोनियों में केजरीवाल के द्वारा देखिए सड़कें दे दी जा चुकी हैं, बिजली पानी वहां पर पूरी पर्याप्त मात्रा में पहुंचा दिया है, हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं कर दी गई है। क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने कार्यों को गिनाकर दिल्ली में प्रचार कर वोट मांग रहे हैं और जिस तरीके से इस वक्त हमें वहां का रुझान दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से मुझे यह लगता है कि भाजपा को अपने हारने का डर सताने लगा है, जिसका कारण है कि भाजपा ने पूरी पलटन अपनी वहां पर उतार दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के पास संगठन है, मजबूत संगठन है, संगठन के मामले में भाजपा अपने आप में मजबूत पार्टी है, किंतु कहीं ना कहीं जो हमने वहां पर देखा है उसके नजरिए में मैं आपको अगर बताऊं तो आम आदमी पार्टी का जो मरीन बस्तियों में काम हुआ है, जो आज भाजपा ने कहा है कि हमारे लोग विधायक लोग यहाँ पर गुजारेंगे, सांसद लोग यहाँ पर रुकेंगे, ये केवल एक चुनाव को स्थिर करने का माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि वहां पर दिल्ली में देखने को मिला है कि वहां पर जो मरीन बस्तियों का जो माहौल है वो एंटी भाजपा बिल्कुल है वहां पर बना हुआ इस समय, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा चुनाव को स्थिर करने की प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रही है। बिल्कुल विशाल जी आपके पास आना चाहेंगे। विशाल जी, आपकी पार्टी कहती है, हालांकि मैं पहले पूछ चुका हूं आपसे कि 250 सांसद झुग्गी झोपड़ियों में 3 दिन रहेंगे, क्या 3 दिन रहने से वो भी खासकर इलेक्शन के दौर में क्या वहां की जनता का भला हो जाएगा? जी, पहली हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1700 कुछ कॉलोनियों को जो बस्तियां थी उनको मालिकाना हक देने का एक नियमितीकरण दिया है, ये पहली पॉइंट। दूसरे में जो सांसद वहां बस्तियों में रहने के लिए, ये प्रचार का माध्यम है, इस पे आप कटाक्ष ना करिए, ये कटाक्ष नहीं है, बस नहीं है, आप ये चुनाव की रणनीति है, रणनीति हर पार्टी अपनाती है, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती। साईं बाग में गोली चलाकर हिंदू वाली चेहरा बनाकर आज हिंदू
तब को आतंकवाद के रूप में घोषित करने का काम केजरीवाल कर सकते हैं, और वही शाहीन बाग में मनीष सिसोदिया जाकर कहते हैं हम समर्थन करते हैं, आप पाकिस्तान के लोगों के साथ हो, हिंदुस्तान के लोगों के साथ हो, या हिंदुस्तान में जो आतंक का माहौल बना रहे उनके साथ हो। आपने 57 महीने लूटने का काम किया और 3 महीने झूठ देने का काम किया और 5 साल झूठ बोलने का काम किया, ये क्या शो करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो आप? इतनी क्षमता थी कि आपने सड़क बनाई, आपने बिजली दी, आपने पानी दिया, तो फिर सेवा देने की क्या जरूरत थी? क्यों अपने राजस्व का नुकसान किया? जब आप क्षमता रखते हो, आप आपकी संपूर्ण हो, आपने अच्छा कार्य किया, आपने बड़े स्कूल बनाए, बड़े हॉस्पिटल बनाए, तो छूट देने का क्या तात्पर्य रहा? आप छूट देकर राजस्व के नुकसान करते हैं, झूठ देकर आप जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हो, जो इनकम टैक्स सेल टैक्स देते हो उन पैसों को यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करते हो। किसके पैसे का काम? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए पैसे का प्रयोग होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं। एक व्यक्ति टैक्स देगा, एक व्यक्ति छूट का लाभ देगा, ये क्या प्रोसेसिंग करी है आपने? ये ऐसा नहीं चलेगा, केवल प्रबंधा है 2 रुपया रंग का। आज केजरीवाल बेनकाब हो चुका है, शाहीन बाग जैसी घटना को अंजाम दिया, गोली चलाने वाला व्यक्ति उनका सदस्य निकल गया गुज्जर, आज पूरा देश बेनकाब हो चुका है केजरीवाल। केजरीवाल ने जिसके माध्यम से जो भ्रष्टाचार आंदोलन चलाया, अन्ना हजारे के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, जिस तिरंगे के नीचे बैठकर दिल्ली के मीनार के अंदर रामलीला मैदान के अंदर धरना प्रदर्शन करता है और देश के तिरंगे की इज्जत को बचाने की बात करता है, शीला दीक्षित पे आरोप लगाता है। आप शीला दीक्षित के ऊपर कौन सा केस लगाया, कौन सा भ्रष्टाचार की बात करी, कौन से लोकपाल की बात करी? आप चुने इतने लोगों पे उन्होंने उंगली उठाने का काम किया, हम जेल के अंदर डालेंगे। शीला दीक्षित ने इतना घोटाला किया, हम जेल के अंदर डाले। कहां गया 5 साल के शीला दीक्षित का कार्यकाल? आज शीला दीक्षित का याद नहीं आया उनके कार्यकाल, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, उनके विधायक जो सही विधायक थे टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी एक सचेत सरकार देने के लिए कामयाब हो रही है। आज जनता पहचान चुकी है केजरीवाल को, फ्री का लालच, फ्री का लॉलीपॉप नहीं चलता, ये 2 रुपया रंग ज्यादा दिन नहीं चलता, इसे जनता समझ चुकी है। आज ये पूरा मोदी सरकार के साथ चल रहा है और दिल्ली की जनमानस भी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। बिल्कुल राजेश बहुना जी, आपके पास आना चाहेंगे। राजेश बहुना जी, आपने आम आदमी पार्टी के लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि वहां पे बीजेपी बहुत बेहतर काम नहीं किए। अगर हम आपके परिपेक्ष में बात करते हैं, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं, अगर हम अरविंद केजरीवाल जी के परिपेक्ष में बात करते हैं, 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, यानी लगभग 10 साल में स्कूलों की दशा सुधारी, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तीसरी उपलब्धि क्या रही होगी उनकी? काला जी, मैं थोड़ा सा उससे पहले उत्तराखंड पे आना चाहूंगा, क्योंकि विशाल गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें डबल इंजन की हो रही है, तो मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट आपका लेना चाहूंगा। एक आंकड़ा मेरे पास में है, जो हमारा गढ़वाल जो एक हमारा जोन है, वहां के स्कूलों की थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके हालात पे जरा बताना चाहूंगा विशाल गुप्ता जी को, कि गढ़वाल मंडल में 10 से कम विद्यार्थी वाले कितने स्कूल है, क्या क्या ये आंकड़ा कहता है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि विशाल गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी काला जी एक शिक्षा के मॉडल का विरोध कर रही है दिल्ली में, तो हमें यह जानने की कोशिश भी करनी पड़ी। अरे भोगरा जी, शिक्षा का मॉडल का आरोप करते हैं आप, देखिए छात्रों की क्या पोजीशन है,
गढ़वाल मंडल के, उत्तरकाशी में 177 है, चमोली में 205 है, देहरादून में 115 है, हरिद्वार में 2 है, टिहरी में 304 है, रुद्रप्रयाग में 75 है और पौड़ी जिले में 548 ऐसे स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय जिनमें 10 से कम बच्चे हैं। शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जिन विद्यालयों में पेयजल नहीं है और शौचालय नहीं है, काला जी गौर से सुनिए, उत्तराखंडियों जो आंकड़ा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिनमें शौचालय और पेयजल नहीं है, देवप्रयाग में 31 स्कूल है, बिलंगना ब्लॉक में 22 स्कूल है, कीर्तिनगर में 20 स्कूल है, जाखड़ीधार में 6 स्कूल है, थौलधार में 6 स्कूल है। ये उत्तराखंड का ब्यौरा बता रहे हो, दिल्ली के चुनाव के अंदर हो रही है, राजनीति स्कूल है, दिल्ली के चुनाव के चर्चा हो रही है, उत्तराखंड के बारे में चर्चा ना हो रही है, उत्तराखंड के बारे में चर्चा ना हो रही है, के हालात ये है, बातें क्या कर दिया आपने, स्कूलों को चमकाया है, पूरी बात रख लो विशाल गुप्ता जी, रख लो, बताइए बताइए। पौड़ी में सबसे ज्यादा 1566 प्राथमिक स्कूल है काला जी, जिनके 89 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है। विशाल गुप्ता जी, इस पर क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, आप कह रहे हैं कि इसने जो है साइन बाप उगा दिया है। अरे साहब, शिक्षा के मॉडल में कोई भी आदमी काम कर रहा है, आपके भी तो एक शिक्षा मंडल का प्रतिनिधि गया था मनीष सिसोदिया किसे मिलने, क्यों गया था जब वो आतंकवादी है, जब वो काम ही नहीं कर रहे दिल्ली में, क्यों गया था उत्तराखंड सरकार का शिक्षक मंडल वहां, मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब बिल्कुल कैलाश जोशी जी आपके पास आना चाहिए, कैलाश जोशी जी जिस तरीके के एक प्रश्न यहाँ पे बबुना जी ने रखे हैं, अगर हम फिर दोबारा दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव पे चर्चा है, पहाड़ी मूल का वोट बहुत बड़ा वहां पे रोल प्ले करने वाला है, हालांकि कई पहाड़ से रिलेटेड लोग वहां पे खड़े हैं, चुनाव में अपना दमखम ठोक रहे हैं, लेकिन एक इसमें एक चीज देखने वाली बात यह भी कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक वहां प्रचार प्रसार के लिए गए हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति पहाड़ी मूल का नहीं है तो लगता नहीं कि वहां की जनता, थोड़ा सा एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि प्रचार प्रसार यहाँ के विधायक सांसद तो दूसरे व्यक्ति का कर रहे हैं जबकि पहाड़ का व्यक्ति दूसरी पार्टी से लड़ रहा है। क्या जी देखिए काला जी, मेरे नजरिए से जिस हिसाब से इस वक्त वहां पर चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है और यहाँ के लोग वहां पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां के हमारे प्रवासी हैं वो यहाँ के लोगों की बिल्कुल सुनने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग वहां पर काफी समय से रह रहे हैं, उनके अपने मकान से हैं, ठीक है, अपने घर वहां पर बनाए हुए, उनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग वहां की सुविधा को देखते हैं, जो सरकार उन्हें वहां पर अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रही है वो उनके पक्ष में बात करेंगे, ना कि यहाँ के मुख्यमंत्री या जो भी यहाँ के विधायक गए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि गिने चुने लोग जो होते हैं सगे संबंधी नजदीक, उनके कहने पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से हम माने कि हमारे 25 लाख से ज्यादा वोटर वहां पर दिल्ली में प्रवास करते हैं, अगर ये माने कि यहाँ के लोगों के जाने के बाद वहां पर अगर भाजपा की नैया पार हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी अगर कहीं रहूंगा तो मुझे वहां के लोकल गवर्नमेंट के साथ जो मुझे अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रही होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, ना कि किसी प्रवासी मूल के व्यक्ति के। बिल्कुल बिल्कुल विशाल गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं इसी के साथ, एक प्रश्न और मैं आपको दे दूं, उसी में आप अपनी बात को भी रख लीजिएगा। विशाल गुप्ता जी, यहाँ के लोग, यहाँ के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक वहां पे बिल्कुल जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, ताकि पहाड़ी मूल का वोट कम से कम वो खिसकने ना दे, साथ के साथ जो एक बड़ा तबका होता है जो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है, झुग्गी झोपड़ियों का, उस पे बीजेपी की नजर है, और उन 40 लाख वोटों को, क्योंकि लगभग 40 लाख के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में वोट रहे हैं, उस वोट को बीजेपी लेना चाहती है, कहीं ना कहीं उसमें 50-60% का वो वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है। आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग, यहाँ के विधायक सांसद गए हैं, मुख्यमंत्री जी गए हैं, वो एक असर दिखाएंगे वहां पे वोटों में? ऐसा है, जितने भी दूसरे राज्यों से जो भी लोग जहां पे चुनाव होता है वहां प्रचार के लिए जाते हैं, और प्रचार का माध्यम अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास है, जिसमें उत्तराखंड के लोग 17 सीटों को प्रभावित करते हैं, जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग मान लेते हैं, कहीं 39% का बहुमत आ रहा है, कहीं 26 का है, कहीं 25 का है, कहीं 30 का है, ऐसे एक गणित, पटपटन जैसी जगह पे जहाँ मनीष सिसोदिया जी काट रहे हैं वहां 39% के करीब की वोटिंग 40 तक की पहुंच जाती है पहाड़ी मूल की, क्योंकि हम लोगों ने भी वहां प्रचार किया है। विषय ये नहीं है कि अपने लोगों को अपने पक्ष पे लाना, जो अपने अप्रवासी लोग मान लेते हैं,
जनता के बीच में जाकर, हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार को ले जाए, वहां कार्यकर्ता की कोई कमी ना रहे। आउटसाइडर जो कार्यकर्ता जाते हैं उनका एम एक है, उनका मकसद एक है, मेरी भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है उसको बताना जनता को और केजरीवाल की कमियों को उजागर करना कि हमें चुनाव जीतना है। जो भी राजनीति पार्टी है, जो भी राजनीति पार्टी अपना काम करती है उसका चुनाव उसका एक दिवाली के रूप में देखती है कि चुनाव आया है, चुनाव में अपनी विचारधारा को सामने रखना और दूसरे की विचारधारा को कमी के रूप में सामने रखना और अपने पक्ष में मतदान कराना एक चुनाव की प्रक्रिया है। इसमें कहीं कुछ नहीं है, जितने अधिक कार्यकर्ता जाएंगे, जितनी जनता के बीच में जाएंगे और जितने जनता से संवाद करेंगे, संपर्क और संवाद में हमारी पूरी संगठन की रीति नीति चलती है। वो झुग्गी झोपड़ी वाला जो बार बार कंसेप्ट आ रहा है, 1700 से ज्यादा मलिन बस्तियां निमित्तीकरण हो चुकी है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और जनता हमारे साथ जुड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नीति है, हम झुग्गी झोपड़ी अंत्योदय की विचारधारा के साथ चलते हैं, एका मानववाद की विचारधारा के साथ चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मरण करते हैं और आज दीनदयाल जी के अनुयायी के रूप में वर्क करते हैं, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को मृत भूमिका में लाने की बात करते हैं, इसलिए झुग्गी झोपड़ी वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। इसलिए हम मजबूत जी से कह रहे हैं, हम बहुमत में आ रहे हैं, हम बहुमत में आ रहे हैं, और लेकिन साहिब बाग जैसी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति ये साबित कर हुआ, ये कल एसआईटी ने जो करा है, जो गुज्जर जैसा व्यक्ति सामने आया और गोली चलाने वाला व्यक्ति जो सामने आया वो आम पार्टी का सदस्य निकलता है, ये हम नहीं करे, ये प्रशासनिक ढांचा तैयार करके जो रिपोर्टिंग आ रही है ये हमारा काम नहीं है, आपके लिए कोर्ट बचा है, आप जो मर्जी करिए, आप प्रेस वार्ता करिए, लेकिन ये आज सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है केजरीवाल जी की, आम पार्टी ने आज कितनी स्थिति गिर गई है, कहां तक गिर सकते हैं, हिंदुस्तान को कहां तक, पाकिस्तान के लोग तो अपने लगते हैं, जेएनयू कैंपस में जो हमारे भारत को गाली देने वाले वो अपने लगते हैं, जामिया में जो भारत को गाली देने वाले अपने लगते हैं, लेकिन अपना कौन नहीं लगता जो देश की बात होता है, जो देश के बारे में विचार करता है वो अपना नहीं लगता, इसलिए आज देश के ऊपर लोग निगाह रखे हैं और मोदी सरकार को दोबारा लाने के लिए, मजबूती से दिल्ली में सरकार बनाने के लिए वो 8 तारीख को अपना मतदान देने वाले हैं। बिल्कुल राजेंद्र भवन जी आपके पास आना चाहेंगे। राजेंद्र भवन जी, अगर दिल्ली को जहां तक हमने समझा है, दिल्ली में कल्याणपुरी लक्ष्मी नगर ऐसे जगह है जहां पे पहाड़ी मूल के लोग बहुत अधिक रहते हैं, मयूर विहार फेस 3 की भी बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैथमेटिकली अगर हम देखें कि लक्ष्मीनगर कल्याणपुरी मयूर विहार फेस 3 में रहते पहाड़ी मूल के आदमी है, उसका प्रचार प्रसार एक प्रभाव जमाने के लिए उत्तराखंड के सांसद विधायक चले जाते हैं, लेकिन वहां से टिकट किसी और को मिल जाता है जो पहाड़ी मूल का है ही नहीं, क्या ये वोट बैंक में कहीं ना कहीं लगेगा? नहीं कि जो वहां का पहाड़ी मूल का व्यक्ति वो कंफ्यूज हो गया, तितर बितर हो गया, या लगता है कि इस पे बीजेपी को मंथन करना था, वहां पे किसी पहाड़ी मूल के व्यक्ति को खड़ा कर देना चाहिए था? राजेश बाबू ने जी देखिए, ये तो जो ध्रुवीकरण होता है ना वोटों का, जितनी भी पार्टियां टिकट देती हैं मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण के आधार पर टिकटों का आवंटन होता है काला जी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी वहां एमसीडी में 15 सालों से है काला जी, उसी का राज है वहां पर, और दूसरी तरफ 7 सांसद है, वो पिछली बार भी थे इस बार भी है, 3 विधायक भी है, तो क्या एमसीडी में कोई काम ही नहीं हुआ वहां पिछले 15 सालों से, या 7 सांसद है उनकी एक तो उपलब्धि होगी तो कम से कम एक सांसद लेके जाए, या हमारे उत्तराखंड के इतने सांसद हैं एक सांसद उपलब्धि लेके जाए कि भैया देखिए हमने उत्तराखंड में ये मॉडल तैयार किया है और अगर आपने भाजपा को जिताया तो यहाँ दिल्ली में भी वो मॉडल करेंगे। मैं विशाल गुप्ता जी को भी सुन रहा हूँ, वो पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया, लेकिन अपनी उपलब्धि अभी तक नहीं बता रहे वो इस स्टूडियो में उत्तराखंड में बैठ गए कि देखिए हमने उत्तराखंड में ये काम करा है, ये मॉडल तैयार करा है और हम जाके जो है दिल्ली में भी ये मॉडल तैयार कर रहे हैं। नंबर एक बात करा जी, दूसरी बात यह है कि अगर आप तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पे नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि भाई बिजली 200 यूनिट तक फ्री हमारी तरफ से भी है, ठीक कह रहा हूँ विशाल गुप्ता जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 2000 लीटर पानी हमारी तरफ से भी फ्री है, साथ में नवी पास जो है छात्राओं को स्कूटी हम देंगे फ्री, इसके अलावा 2 रुपए किलो आटा दे देंगे। अरे विशाल गुप्ता जी, उत्तराखंड में भी तो आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सरकार तो नहीं, बांग्लादेश की, यहां क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, या ये झूला है दिल्ली के लिए? काला जी मैं कह रहा हूँ देखिए, उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है और दिल्ली की जनता समझदार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 महीना भी प्रचार करे ना, 1 साल भी प्रचार करे, वहां का वोटर बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है, क्योंकि समझदार समझता है और पढ़ा लिखा इधर उधर भागता है। क्या कारण है विशाल गुप्ता जी,
कि उत्तराखंड में मोदी जी के नाम पर विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, ग्राम प्रधान बन जाते हैं, और दिल्ली में पिछली बार भी मोदी जी ने प्रचार प्रसार करा था। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा, मैं अंतर बता रहा हूं कि मोदी जी के नाम पर क्यों नहीं वहां पे विधायक बने, सब तीन ही क्यों बने, सांसद अरविंद को क्यों मिले। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि उत्तराखंड की जनता और दिल्ली की जनता में बहुत अंतर है। विशाल गुप्ता जी, यही चूक आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अन्ना को धोखा दिया। अरे धोखा तो पता नहीं कितनों ने दिया होगा, आपने भी तो आडवाणी जी को धोखा दिया है, आपने जो है यशवंत सिन्हा जी को धोखा दिया। अरे धोखे से भी वोट मिलते हैं कि आपने जुमले फेंक दिए। काम करके दिखाना पड़ता है साहब, आप काम करेंगे तो लोग देखते हैं, वरना जुमले फेंकने में। बिल्कुल विशाल गुप्ता जी, आपसे एक छोटा प्रश्न ले लेता हूँ, उसके बाद कैलाश जोशी जी आपके पास आऊंगा। विशाल गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, आपकी प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री हैं और सारे कार्यकर्ता ही मोदी है। ये संगठन की रीति नीति है, जो पोस्टर चिपकाने वाला ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जैसे अमित शाह जी एक साधारण व्यक्ति के रूप में पत्र का वितरण कर रहे हैं। ये सिद्धांत परिवार की पार्टी नहीं है, जैसे कांग्रेस की नीति है और किसी की नीति है। हमारा सिद्धांत चलता है, विचार चलता है, और देश के प्रति विचार को लेकर हम काम करते हैं। पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसलिए सारे ही मुख्यमंत्री और सारे ही मोदी। तो ये खैर पॉलिटिकल जवाब दे दिया आपने, ये तो हाउ इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल खैर नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। कि मेरे ख्याल से तो सभी पढ़े लिखे हैं, कल से सारे पोस्टर चुपकाना शुरू कर देंगे। कैलाश जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा, एक प्रश्न आपको देना चाहूंगा। कैलाश जोशी जी, आम आदमी पार्टी पहली बार 67 सीटें लाती है, बहुत बड़ा मैंडेट लेके दिल्ली के अंदर आती है। केजरीवाल वहां पे सरकार बनाते हैं, दूसरी बार वो मैंडेट कम होता है, अब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये मैंडेट जो है, जो सीटें उनको मिली, बीजेपी कहीं ना कहीं नेट टू नेट फाइट की स्थिति में है या बीजेपी वहां सरकार बनाने की स्थिति में है, आपकी प्रतिक्रिया कैलाश जी? देखिए कैलाश साहब, इस बात पर मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों संगठनात्मक तरीके से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का जो एक फ्लो दिख रहा है, अभी चुनावी फ्लो जिसको कहा जाता है, वो दिख रहा है, वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जनता का रुझान ज्यादा दिख रहा है। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई वो नहीं है, टिप्पणी करने में कोई आवश्यकता नहीं है कि भाजपा अपने संगठनात्मक चुनाव को बड़े तरीके से सलीके से लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को आम आदमी पार्टी का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने अपनी रणनीति में एकदम से बदलाव किया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आघात पहुंचाएगा जरूर, लेकिन पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक के रुझान के अकॉर्डिंग लीडिंग तौर पर जो अभी के समीकरण दिख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के समीकरण दिख रहे हैं। बिल्कुल विशाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। विशाल गुप्ता जी, जिस तरीके से कैलाश जोशी जी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की संभावनाएं ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बहुत बड़ा मैंडेट यहाँ पे मोदी लहर के अंतर्गत बीजेपी को मिला था, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में उत्तराखंड के अंदर इस वक्त है, क्योंकि मोदी जी की लहर चली थी कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी जीत गए जो पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, तो ये लहर क्या दिल्ली के अंदर चल पाएगी? विशाल गुप्ता जी, उसके बाद क्या रहस्य आपके पास? ऐसा है काला जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय पार्टी, और कभी भी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो दुश्मन हल्का हो या भारी हो या पहले की सरकार में रहा हो, जब भी चुनाव लड़ा जाता है उसे मजबूती के साथ लड़ा जाता है। हमें अरविंद केजरीवाल नहीं दिख रहा, हमें चुनाव की रणनीति दिख रही है, और चुनाव के रणनीति के माध्यम से आप राजनीति को दुश्मनी के तौर पर दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं कहते कि दुश्मन शब्द आपने यूज किया, इसका मतलब यह है कि भाजपा किसी भी कॉम्पिटिटर पार्टी को अपने अपने अपोजिट पार्टी को पत्रकारिता की भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है, दुश्मन का मतलब प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि जो सामने खड़ा है उसको उतना ही मानना पड़ेगा कि वो हल्का नहीं है, वो भारी है, उसके हिसाब से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम विजयी होंगे, हम बता रहे हैं किसी भी पार्टी को आप दुश्मन नहीं कहते, दुश्मन का शब्द क्या है? दुश्मन हमारे सामने जो हमारा प्रतिनिधि है, दुश्मन कैसे?
आपका जो सामने कॉम्पिटिटर होता है वो दुश्मन नहीं होता, राजनीति अलग चीज है। और ऐसा नहीं है जो चीज ये प्रयोग ना करिए, हम अपने लक्ष्य को हम छा देंगे, हम लक्ष्य को पाएंगे, हम लक्ष्य को जारी करेंगे, हम लक्ष्य जारी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी प्रतिद्वंदी को हटा नहीं देगी, हम चुनाव लड़े पूरे बड़े दुश्मन जाए जनता का जो जनादेश है, मैंने सीधा कहा है कि दिल्ली की जनता समझदार है और समझदार को आप समझा नहीं सकते ज्यादा, आप पढ़े लिखे को समझा सकते हो लेकिन समझदार पहले ही समझ चुका है। दूसरी एक छोटी सी बात में विशाल गुप्ता जी का जवाब मैं देना चाहूंगा। विशाल गुप्ता जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश के सबसे पावरफुल आदमी है, अगर वो शाहीनबाग का धरना नहीं खुलवा पा रहे हैं ना, और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये, अरे साहब गृह मंत्री अमित शाह, वो चाहे तो एक मिनट में खाली करवा सकते हैं, और इतना पावरफुल आदमी अगर नहीं उसको खाली करवा रहा है तो कहीं ये तो नहीं है कि कहीं भाजपा लाभ लेने के लिए उनको हटाना ही नहीं चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए जी। बोगड़ा जी को बड़ी तकलीफ है शाहीनबाग की, और शाहीनबाग सामने तकलीफ नहीं है, आपके विचार शाहीनबाग में मनीष सिसोदिया कहता है हमारे समाधान है, आप बोले जिलाने वाला व्यक्ति, आप सिख समाज के नाम बने हुए बात करा क्या
आप गौड़ा जी आप जुमले आप जुमले नहीं है आप जुमले बराबर आपको टोपी बनानी आती है आज ये टोपी आज ये टोपी ये आपका नहीं चलेगा मैं हिंदुस्तान की जनता है हिंदुस्तान की जनता समझ है ये मोदी सरकार आने वाली है भारत होने वाला है खेलने वाला है परेशान नहीं है ये डिप्रेशन में आप आ गए आप हो रहे हो साइन बात साइन बात साइन बात साइन बात तो पता चल जाएगा क्या होगा साइन बात का पाकिस्तान नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान को सर्वस्व नहीं बने क्यों गया उत्तर दीजिए आप उत्तर दीजिए मुझे क्यों गया आप मुझे बताइए आप मीडिया में बैठे हैं जनता देख रही है आपको कांग्रेस को सलाह दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि पहले वो अपने राज्य के झगड़ों से निपटे तब जाके हरीश रावत दिल्ली में प्रचार के लिए आए और आईटी हिंदुस्तान ये जरूर कहना चाहता है कि ये संघ दिलों की दुनिया है जरा संभल के चलना गाली पलकों पे बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए देखते रहिए आईटी हिंदुस्तान नमस्कार।